डायरेक्टर है, किस फिल्म को बनाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए? यार देखो, जब आप कहानी सोचते हो ना, तो उस समय जैसे होता है ना कि आप एक अपनी धुन में लगे रहते हो, यू वांट टू डू समथिंग। तो एक अखबार में एक छोटा सा नोट था, साउथ अफ्रीका के गांव में एड्स से एक ही महीने में कुछ 600 लोग मर गए थे। तो वहां से हमने उठाई थी सबसे पहले, और फिर हम ये चाह रहे थे कि इसको कैसे कनेक्ट करें चीज़ों के साथ। तो फिर वो कनेक्टिविटी हमें मिली कि अगर हम ईंट के भट्टों के आसपास कुछ करते हैं, तो ईंट के भट्टे क्या बहुत ही इजीली अवेलेबल जगह होती है, जहां औरतें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि वो बेचारे दिन भर मजदूर बड़ी मेहनत करते हैं। पूरे दिन मेहनत करने के बाद अभी भी शायद 175-200 रुपये मिलते हैं। और अगर आप इस तरह के कामों में लिप्त हैं, तो कोई भी आदमी औरतों को 250 रुपये बड़ी आसानी से दे देता है। तो उनको लगता है कि एक डेढ़ घंटा या आधे घंटे के काम में तुमको 250 रुपये मिल गए। तो जो ईजी मनी है वो सबको अट्रैक्ट करती है। तो वहाँ भी यही होता है कि जो औरतें इन कामों में लिप्त हैं, उनको बड़ी आसानी से पैसे मिल रहे हैं, तो वो उसको थोड़ा सा इन्जॉय करना स्टार्ट कर देती है, और धीरे धीरे चलन बन जाता है। जब आप शोषित होने लगते हो लगातार, तो शोषण करने वाले को फिर डर नहीं होता, भय नहीं होता, उसको लगता है कि अब ये तो आदत बना ली इन्होंने। तो यहाँ भी यही होता है कि इनकी आदत बन चुकी है, अब जो भी इनके सामने आता है वो उसे कुछ मानते नहीं है। नाउ दे जस्ट वॉन्ट टू लिव देयर ओन लाइफ। तो आपको लगता है कि मतलब जो आज के टाइम की जो जनरेशन जो है, मतलब जो अशिक्षित है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन तक एक संदेश पहुंचेगा इससे? यार मुझे लगता है जो अनपढ़ है ना, वो अभी भी बहुत क्लियर है, बहुत प्योर है और बहुत साफ है अपनी सोच में। सर मैं उन ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जिनको, जो अशिक्षित है बिल्कुल, जो गाँव जो कस्बे की बात कर रहा हूँ। यार उनको तो इससे शिक्षा की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही बड़े समझदार है, उनको मालूम है जो माँ बाप कहते हैं वो ही करते हैं। अगर किसी को शिक्षा की जरूरत है तो वो है सिर्फ हमारे उन लोगों को जो पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ हैं। सिर्फ किताबें पढ़ने से अगर अकल आ जाती तो मुझे लग रहा है कि हर मास्टर IPS और IAS और पता नहीं क्या होता। किताबी जो ज्ञान है हमने उसको बहुत बड़ा मान लिया। अभी इतनी अच्छी अच्छी ऐड आ रही है कि आप नंबरों पे मत जाइए, आप देखिए आपने सीखा क्या है, हम अपने आप को ही ले लें। इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो सब के सब ड्रॉप आउट्स हैं। 60-40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, कोई कॉलेज से भाग आया, कोई 12वीं से भाग आया, कोई 10वीं से भाग आया, और आज की डेट में दे आर रूलिंग द इंडस्ट्री। तो पढ़ाई ठीक है, आपको लहजा तरीका सलीका सिखा देती है, पर पढ़ाई आपको असभ्य बना दी, मतलब पढ़ने से आप सभ्यता सीख जाएंगे, मुझे नहीं लगता, मेरा ऐसा मानना। सर भौरी की कहानी में मतलब क्या क्या डिटेलिंग और करनी पड़ी आपको इस फिल्म को बनाने के लिए? यार हमको ना सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी भूरी, जब हमको स्कॉटिश लड़की मिल गई, तो एक लड़की जिसने जीवन में गाँव ही नहीं देखा, वो मेरी मेन हीरोइन है, ठीक है। तो मुझे उसके चलने पे, उसके कपड़ों पे, उसके छोटे छोटे नुवांसेस पे, सब पे काम करना था। उसके बाद जो इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली, जो मेरी मेहनत थोड़ी कम होगी, कि जो मेरी कास्टिंग थी, जो मेरी सपोर्ट सिस्टम था, जो मेरे कोई भी काम ना एक अकेला आदमी नहीं करता है, यू नीड अ टीम, ठीक है। तो मेरी अपनी टेक्निकल टीम बहुत ही स्ट्रांग थी, और मुझे बहुत अच्छे और सुलझे हुए एक्टर्स का साथ मिला। आप पोस्टर्स में देखेंगे कि ये सारे एक्टर हर फिल्म में नहीं दिखते, और शक्ति कपूर जी इस फिल्म में पहली बार लोगों को बहुत अलग हटके और बहुत ही मैच्योर एक्टिंग करते हुए दिखेंगे। इस तरह पिक्चर आ चुकी है, इसमें क्या डिफरेंस है वैसे पब्लिक? मुझे नाम बताओ इस तरह की फिल्म का, तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या फ़र्क है। जैसे बताएगी कि आई कई सारी पिक्चरें हैं उसके ऊपर। मुझे लग रहा है मतलब मुझे लग रहा है कि हमने तो अपने तरीके की अलग फिल्म बनाई है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा दुनिया की बहुत महान और बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन एक संपूर्ण फिल्म है, कंप्लीट फिल्म है, इसमें कमी निकालने में थोड़ी सी परेशानी होगी लोगों को, तो कमी जैसी चीज़ नहीं। जिस चीज़ पे बना है मतलब इससे नजरिया चेंज होगा? मैं कहना चाह रहा हूँ कि वक्त है जो किसी का वेट नहीं करता। हाँ नज़रिया नहीं है, बस लोगों को अपना तरीका बदलना है कि आवाज़ उठानी शुरू कर दो, लोग सुनने को तैयार खड़े, वो कहना चाह रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ, मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं है कि मैंने श्याम बेनेगल की पिक्चरें देखी, निशांत देखी है, अंकुर देखी। और निशांत और अंकुर, अगर आपने अंकुर देखी हो तो वहाँ पर भी आपने देखा है कि अंकुर की नायिका के साथ गांव के जमींदार का व्यवहार क्या होता है। आपने अगर गिद्ध देखी हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि गांव के एक शिक्षक की पत्नी जो एक छोटे बच्चे की माँ है, मात्र उसका कसूर यह है कि वह देखने में सुंदर है, और चार
जमींदार भाइयों का चरित्र गिद्ध का सा उसमें है। तो जो वो जेलर था स्मिता पाटिल जी का और सबारा आजमी का और श्याम बेनेगल का, उसका एक इम्प्रोवाइज्ड वर्सन है भौरी। और सबसे अच्छी बात है जिस तरह से आमिर खान जी की फिल्म और उसमें स्टार से ज़्यादा कथानक के ऊपर बल होता है, सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म में कथानक पर बल नहीं होता है, उनके स्टारडम पर बल होता है। आमिर खान की हर फिल्म चाहे वो पीके हो अथवा लगान हो अथवा गजनी हो, उसमें विधा पर और कहानी और पटकथा पर बल होता है। ठीक उसी तरह इस फिल्म में, इस फिल्म का की स्टार, इस फिल्म की कथानक है और उसका प्रस्तुतिकरण है और गांव का वो वास्तविक परिवेश है, वो स्थान है जहां पर वास्तविक रूप से गांव के तथाकथित बड़े लोग औरतों के साथ जो कुकर्म करते हैं उसका बड़ा भयावह लेकिन बहुत सही और शालीन चित्रण है। और उसका जो दुष्परिणाम है, उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, उससे समाज को अवगत कराने का प्रयत्न किया गया है कि भौरी पूरे ग्राम की नगर वधु हो जाती है और वह एड्स से पीड़ित है और इस कारण उस गांव में लगभग सभी व्यक्ति एड्स के कारण मृत्यु का वरण करते हैं। तो एड्स की भयावहता का जो निरूपण और चित्रण इस फिल्म में किया गया है, मैंने अपने भाषण में भी कहा, वक्तव्य में भी कहा कि मैंने अभिषेक बच्चन, सलमान खान और रेवती और शिल्पा शेट्टी द्वारा अभिनीत एड्स के ऊपर आधारित एक फिल्म को भी देखा था, फिर मिलेंगे। यह फिल्म मुझे फिर मिलेंगे से हजार कोटी ज़्यादा अच्छी दिखाई दी। इसमें कोई आडंबर नहीं है। इस फिल्म में जो भौरी का पति है वो भौरी का निरीह गरीब दबा कुचला पति दिखाई देता है। इसमें भौरी की सुंदरता निखर करके सामने आई है और उस पर गांव के कामी पुरुषों की लोलुप नज़रें बड़ी स्वाभाविक लगती हैं। इसमें आडंबर और कृत्रिमता नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके एक एक परिदृश्य, एक एक शॉट में एक प्राकृतिकता का एक समावेश है। यह इस फिल्म की बड़ी भारी खूबसूरती है। मुझे लगता है जिस तरह से पिपली लाइव और भेजा फ्राई का चमत्कार हुआ था, मैं उसी तरह के किसी चमत्कार की आशंका नहीं, बल्कि मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभेच्छा है कि यह फिल्म एक हिंदी सिनेमा के अंदर नारी की स्वतंत्रता पर, नारी की अभिव्यक्ति पर, नारी के दर्शन पर एक मील का पत्थर साबित। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.